दृढ़ और आदृढ़ कर्म किसको कहते हैं? अब यह विषय भी बड़ा गहरा है और बहुत चिंतन का विषय है ये। जैसे ऐसे कोई भी कर्म जिससे सामने वाले व्यक्ति के जान की हानि हुई हो, सम्मान की हानि हुई हो, ऐसा कोई भी कर्म जिससे किसी महात्मा ऋषि की निंदा या उनको फिजिकली किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, ये वो कर्म होंगे जिनका कभी कोई छुटकारा हो नहीं सकता। आदृढ़ कर्म, बेहोशी में, अज्ञानता में कर्म हो गया, लेकिन उससे किसी के जान माल प्राण की हानि नहीं हुई थी। उसने एक कर्म ऐसा किया जिससे उसका मन मैला हुआ। अब इस बेहोशी से, अज्ञान से हुए कर्म का हम आदृढ़ कर्म की कोटि में हम इसको रख सकते, पर जहां जान माल प्राण की हानि हो जाए, सम्मान की हानि हो जाए, संत निंदा ही क्यों, किसी की भी निंदा करे। बस ये फर्क है, अगर साधारण मनुष्य की निंदा करता है, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति की तपस्या इन्वॉल्व नहीं है, अदृढ़ हो सकती है, लेकिन किसी संत की निंदा कर दी, ये दृढ़ कर्म बन जाएगा। संत के दोखी को रखे ना कोए, संत के दोखी का थान भ्रष्ट होए, संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, ये सब पंक्तियां सुखमनी साहब में आई हैं, जहां संत की निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए जो फल कहे गए हैं वो बड़ा चौंकाने वाले और बहुत डराने वाले फल। लेकिन साधारण आदमी की कोई निंदा करे, दुष्कर्म तो ये भी है, लेकिन यह है एक ही कीचड़ में गिरे हुए, चार छींटे ज्यादा पड़ गए क्या फर्क, चार छींटे कम पड़ गए क्या फर्क। लेकिन किसी महात्मा की, किसी साधक की, किसी साधु की वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि महात्मा शांत है, चुप है, मौन है, वह अपने निंदक के लिए भी मन में द्वेष नहीं रखता है, लेकिन प्रकृति को ये बात पसंद नहीं आती। तो नेचर की फोर्सेस कुछ ऐसी है कि आपकी वाणी से जब किसी महापुरुष, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी संत, किसी ऋषि, किसी योगी के लिए जब दुर्वचन निकलते हैं, तो ये दुर्वचनों की फोर्स वापस तुम्ही को हर्ट करती है। क्यों? उन्होंने लिए नहीं, इट विल कम बैक टू यू। असाधारण आदमी की तुम निंदा करते हो एक बार, वो चार बार करता है, एक की चार कर देता है, मल्टीप्लीकेशन, वो बिजनेस चलता रहता है ना, चार देगा मैं 40 दूंगा, तो 40 देगा मैं 400 दूंगा, तो परस्पर आदान प्रदान चलता रहता है। महात्मा ने क्या है, तुम्हारा लिया ही नहीं था, तेरा तुम्हारा किया कर्म तुम्ही को वापस मुश्किल हो जाती। तो दृढ़ कर्म और आदृढ़ कर्म का ये भेद है, और इसमें मानव का कल्याण इस बात में नहीं होता है कि वो ये देखे कि चलो हम ना दृढ़ वाले बुरे कर्म नहीं करते, आदृढ़ वाले कर लेते, क्योंकि उसे तो छुटकारा हो जाएगा। ये जो बुनियादी सोच में खराबी है ना, ये खराबी को ठीक करने की आवश्यकता है। इस चक्कर में मत पड़िए, दृढ़ कर्म क्या है और अदृढ़ कर्म है। हमने पाप के विषय में जब बताया था तो कहा था जो तेरे चित्त को विक्षिप्त करे, जो चित्त को मैला करे, विच इज क्रिएटिंग अनहैप्पीनेस, विच इज क्रिएटिंग टर्बुलेंस इन योर माइंड, दैट इज पाप, डोंट डू इट। छोटा पाप कौन सा है और बड़ा पाप कौन सा है, ये काम मत करो। देवीदास कोटा से, इफ आई थिंक दैट माई संचित कर्मज आर गुड, माई प्रेजेंट कर्मज आर नॉट बैड, एंड आई डू नॉट डिजायर मोक्ष बट रीबर्थ, एम आई डूइंग रॉन्ग? डेफिनेटली नॉट।
कहाँ रहदास जी है, रहदास कबीर जी के गुरु भाई रहदास जी लिखते हैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। और यहाँ वो खुद कोई तमगा दे रहे हैं, प्रेजेंट अच्छा है, सचित गुड है, मोक्ष चाहिए नहीं, प्यारे यहाँ क्या कर रहे हो फिर। नेहा, मैं जब अपने मन को ध्यान से देखती हूं तो विचारों, वासनाओं और इच्छाओं का पूरा पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। बहुत सी इच्छाएं, वासनाएं दिखती हैं, इसी लाइफ से रिलेटेड हैं, बहुत को मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। और कभी कभी मन के इस द्वंद के कारण जो थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ, मंत्र जप इत्यादि, वो भी छूट जाता है। पूछा है, मैं पास्ट लाइफ थेरेपी करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब ज़्यादातर वहीं पे मिल जाएंगे। वासनाओं और इच्छाओं का पता लग जाता है तुमको, इसमें मुझे बहुत जोर से संशय है। तुम चाय पी रहे हो, तुम्हारी चाय में मक्खी गिर जाए, मैंने नहीं देखा कि कोई भी आदमी वही चाय को पीता हो। किसी आदमी को नहीं मैंने देखा जो ये कहे कि मैंने देख लिया है कि मेरी चाय में मक्खी गिर गई है, परंतु मैं उस चाय को पी रहा हूँ, बहुत स्वाद है। मक्खी में कितनी चाय गई होगी, और मक्खी में क्यों पॉइजन तो कोई होता नहीं है, मक्खी बाहर निकाल ली, पी रहा हूँ मैं, इसमें क्या दिक्कत है? उसको वासना नहीं कहते जिसको देख के भी फिर तुम उसके साथ लिपटना चाहो। उसे वासना नहीं कहते जिसे तुम फिर भी करना चाहो। रही बात इच्छा की, मानव है, मानव शरीर के लिए, मानव शरीर की मेंटेनेंस के लिए धन की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, जॉब में आपको काम करने की जरूरत है, तो ऐसी इच्छा करना कि मैं जॉब पे जाऊं, दिस इज नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो भाई शरीर तो चलाना है ना। लेकिन मेरी तरक्की जल्दी हो जाए, मेरे कॉम्पिटिटर की तरक्की क्यों हो गई, मेरे जूनियर कॉलीग को प्रमोशन मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, कैसे नहीं मिलती, ये सब विषय से जो अपने आप को स्ट्रेस आउट करता रहता है, तो उसके लिए तो फिर नौकरी करना भी गले की फांसी हो गई। और यूं फांसी कुछ भी नहीं होती अगर समझ आती होवे। देखिए, सुना है हमने, एक ने फांसी बनाई, बोले इसमें मैं लटका दूंगा अपने दुश्मनों को, वो अपने दुश्मन को पकड़ के भी ले आया, और दुश्मन को वो कहता है तेरे को मारा या इसमें लटका दूंगा मैं तुझको। दुश्मन ने कहा अच्छी बात है, चल मैं भी तेरी मदद करता हूँ। कह रहे ठीक है, लटका ले तू, पर मेरी भी थोड़ी मर्जी पूरी कर ले। बोले वो कैसे? कह रहे मैं अपनी इच्छा से लटक जाता हूँ। और बोल, उसने कहा ठीक है, डर गया ना मुझसे? बोले हाँ बिल्कुल डर गया। बोले चढ़ फिर फांसी पे, तो वो पेड़ पे भी चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़ के उसने अपनी कूल्हे, अपने हिप्स उस फांसी के फंदे में रख दिए,
और झूलने लग गए. देख तूने कहा था ना मैं तुझे फांसी में झूला दूंगा, देख झूल रहा हूं. एंड ही स्टार्टेड हैविंग हिज स्विंग ऑन दैट रोप. तुम लोगों की हालत वही है. तुमने अपनी इच्छाओं का झूला बना लिया है और मुश्किल ये है कि ये झूला तुम्हारी कमर में नहीं है, गले में डाल लिया है और उसी से झूल झूल के आनंद ले रहे हो. और फिर मुझसे पूछते हो, मुझे ये पता तो चल गया है कि मेरे ना ये इच्छा है और ये वासना है, लेकिन फिर भी साहेब इसी को कहते हैं कबीर साहब, माया महाठगनी हम जानी. ये ठगा गया है जीव मन की माया के फेर में पड़ के, क्योंकि मन कभी नहीं दिखाता है कि एक कर्म का एक इच्छा का बुरा रूप क्या है. तू फंसता है, तेरे जीवन के कीमती श्वास और कीमती समय बर्बाद हो जाएगा, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं. मन ये कभी भी नहीं दिखाता है. मन हमेशा ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग दिखाता है. सुनो, एक आदमी एयरपोर्ट गया, फ्लाइट लेने लगा, तो उसको आवाज आई, आकाशवाणी आई, इस जहाज पे मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा. वो ट्रेन में चढ़ने लगा, फिर आकाशवाणी आई, इसमें मत चढ़, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा. वही हुआ. स्टेशन से निकलते सामने ही दूसरी ट्रेन आ गई, आपस में टक्कर हो गई, कितने लोग मर गए. भगवान की आवाज. बस पे चढ़ने लगा, फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी. बंदे को बड़ा गुस्सा आया, कितना हद हो गई, जहाज पे मत चढ़, क्रैश हो जाएगा. बोला, ट्रेन पे मत चढ़, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमने मुझे बताया. बस पे मत चढ़, खाई में गिर जाएगी, उसकी भी मेरे को वार्निंग दे दी. तब क्यों वार्निंग नहीं दी जब घोड़ी पे चढ़ रहा था? तब क्यों नहीं वार्निंग दी? उस समय क्यों नहीं बताया? जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो मेरा हो चुका. अब बस पे मत चढ़, प्लेन पे मत चढ़, ट्रेन पे मत चढ़. अब इतनी कृपा क्यों कर रहा है मुझ पर? Why now? लेकिन आप ऐसे प्राणी हो कि ऐसी आवाज सुनो, तुम हो जहाज के ऊपर चढ़ने को तैयार और तुमको आवाज आए कि इस जहाज में मत चढ़ो, इसका प्लेन क्रैश हो जाएगा, तुम कहो कि चल चल, तुम फिर भी चढ़ जाओगे. तुम लोगों का वो हाल, तभी तो बोल रहे हो ना, हमें ये पता है कि मन में इच्छा वासना आती हैं, पर हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम क्या करें? मैं क्या करूं? तुम नहीं छोड़ पाते हो तो तुम भोगोगे उसको. उसके लिए हाउ कैन आई बी इन्वॉल्व्ड इन योर मैस? इट इज योर मैस. मुझे याद आती है, हमारे घर के पास एक बुजुर्ग महिला रहती थी, विधवा थी. आगे उसकी एक बेटी, उसके भी कुछ भाग्य का ऐसा खेल चला कि उसकी भी शादी नहीं चली, तो 3-4 विवाह किए तो भी नहीं चली. तो वो माँ बेटी उस घर में रहती थी और बहुत मतलब किसी से बनती नहीं थी, सबसे लड़ाई रहती थी, सबके साथ उनका अक्सर झगड़ा हो जाता था. और उस बूढ़ी माई के जुबान पर एक डायलॉग मैंने कितने ही बार सुना. वो जब किसी पे बहुत गुस्सा आता था ना, तो गुस्से के मारे एक ही बात बोलती, कीता ही पावे. पंजाबी में कीता मैंने किया, तुझको भोगना पड़ेगा जो तू कर रहा है ना मेरे साथ. क्योंकि वो अपनी गलती तो कभी दिखती नहीं ना आदमी को, तो ये लगता था कि मैं विधवा हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे में पैसा नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे सिर पे सवार होते हो. तो गुस्सा बहुत आता, खूब गाली गलौज कर लेती. पर जब वो थकने लग जाती तो फिर वो इसका लास्ट डायलॉग ये होता था, कितना ही पावे, ये कह के वो घर के अंदर चली जाती थी.
एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा अम्मा दो घंटे की लड़ाई के बाद बोलती कि तईपा में, ये पहले बोल के अंदर आ जाया कर। See it come back. Why waste your 2 hours? दो घंटे बर्बाद कर दिए तूने, इतना झगड़ा छांसा, गाली गलौच, इसकी उसकी, माँ की बहन की, सबकी कर दी, और उसके बाद कितना ही पावे, मैं पहले बोल दिया कर। तो वो आगे से कहती है, दिल को हौसला थोड़ी आता है। Now what does that mean? कि उसको झगड़ने में मजा आता है। उस माता को झगड़ने में मजा आता है, तुम्हें वासनाओं की दलदल में फंसने में मजा आता है, इसलिए फंसते हो। कहानी सुनो, एक आदमी टोपियां बेचने गांव से दूर गया मेले में, वापिस आ रहा था, बहुत थक गया था, एक बरगद के पेड़ के तले लेटा सोया। जब नींद खुली तो क्या देखता है, टोकरी का मुंह खुला पड़ा है और सब टोपियां गायब। अरे मेरी टोपियां कहाँ गई? इधर उधर देखा तो नजर पड़ी सामने वृक्षों पर और उस बरगद के पेड़ पर, कितने ही 100 बंदर बैठे हैं और सब बंदरों ने टोपियां पहनी हुई। उसने टोपी पहनी थी, बंदरों ने देखी, बंदर तो नकल करेगा, उनने भी टोपी पहन ली। अब इतने सारे बंदरों से वो टोपियां कैसे ले? तो उसने गुस्से के मारे सिर की टोपी नीचे फेंकी और सब बंदरों ने भी टोपियां फेंक दी। उसने फटाफट सब टोपियां लपेटी, टोकरी में डाली, घर आया, वो बड़ी हंसी आई उसको कि बंदर कैसे बेवकूफ है, मैंने टोपी फेंकी, उनने भी फेंक दी। घर आया और उसने अपने पूरी कथा अपने बच्चे को भी सुनाई, पत्नी को भी सुनाई, और फिर समय के साथ वो बूढ़ा हो गया। फिर उसने अपने बेटे को भेजना शुरू कर दिया, और जब वो मेले फिर से जाने का वक्त आया तो उसने कहा, देख बेटा मेला जरूर जाना, पर बरगद के पेड़ के तले सोना मत, और वैसे अगर तू बहुत थका हो और तू फिर भी सोना चाहे तो एक चीज़ याद रखना कि अगर कहीं बंदर टोपियां ले जाएं तो सिर की टोपी नीचे फेंकना, वो सब नकल करके फेंकेंगे, सब टोपियां मिल जाएंगी। ठीक है, गया मेले से लौटते हुए मैं, अब मन में जो बात बोल दो ना, ये नहीं करना, वो आदमी जरूर करता है। तो बरगद का पेड़ दिख गया तो याद आ गई, बाप ने बोला था यहाँ सोना मत, यहीं सोऊंगा, आराम कर लूँ, खुद आराम करता था, मैं ना करूँ,